कि आज हम आपको प्याज वाले मसाले वाले करेले बनाकर दिखा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे करेले बनते हैं और इस हमारे तरीके से आप बनाएंगे तो बड़े तो खाएंगे ही, बच्चे भी आपके करेले चट कर जाएंगे। इस तरह से करेले बनाएंगे हम, देखिए कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कंसल रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए करेले की सब्जी लाए हैं। देखिए ये हमारे 250 ग्राम करेले हैं। देखिए इन्हें हम कितने अच्छे करेले हैं, ये लंबे लंबे। अब इन्हें बारीक दोनों तरफ से कट करेंगे, इनकी चोंच निकाल लेंगे और इस तरह से गोल गोल काटेंगे इन्हें। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। देखिए आपके अगर बीज इस तरह से पक्के हैं तो आप चाकू की सहायता से नोक से इस तरह से बीज निकाल लेंगे हम। अगर सॉफ्ट बीज हैं तो ज़रूरत नहीं है निकालने की। देखिए ये हमारे पक्के बीज हैं, ये खाने में दिक्कत करते हैं, फिर इस तरह से बीज निकाल लेंगे हम। देखिए हमारे सभी करेले कट गए हैं, देखिए कितने अच्छे से कट गए हैं, सभी के हमने बीज निकाल दिए हैं। देखिए ये पक्के बीज भी हैं हमारे, इसमें कच्चे भी हैं। देखिए अगर आपके इस तरह से बीज निकलते हैं तो आप इन्हें गमले में लगा सकते हैं और आपका करेले का पौधा तैयार हो जाएगा। इस तरह से पक्के बीजों को इस्तेमाल में ले सकते हैं आप, फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है इन्हें। देखिए हमारे करेले कट गए हैं, अब हम प्याज ले लेंगे। इतनी हमने प्याज ले लिए हैं, धो लिया है ना, इनके छिलके उतार लिए हैं हमने और इन्हें कट करेंगे। प्याजों को हम लंबा लंबा कट करेंगे, ये बहुत ही अच्छी लगती है करेलों में, इनके बिना करेलों का टेस्ट कम आता है। देखिए इसी तरह से सारी प्याज को बारीक बारीक लच्छेदार काट लेंगे, बिल्कुल हम लंबा लंबा करके। देख सकते हैं इसमें प्याज ज़्यादा डलेगी तभी करेलों का टेस्ट अच्छा आता है। इन्हें बड़े बच्चे सभी खा सकते हैं, बच्चों को पसंद कम होती है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे हमारे तरीके से तो बच्चे भी खूब खाएंगे आपके करेले। आप पूरी पराठे किसी के साथ भी इन्हें खा सकते हैं बहुत शौक से। देखिए सारी हमारी प्याज इस तरह से कट गई है, देखिए सारी प्याज काट ली है हमने। देखिए प्याज हमारी कट गई है, अब हमारे करेले हैं ये। अब करेले में अपने 1 चम्मच नमक लगाएंगे जिससे इनका कड़वापन खत्म हो जाएगा और आपको कड़वे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी करेले ये। और हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए नमक लगा के रख देंगे। आप इस तरह से ना ऊपर नीचे कर देंगे नमक के लिए जिससे इनमें हमारे सारे अखोटे सारे में नमक आ जाए करेलों में। देखिए सभी नमक पी जाएंगे ये। अब हम 1 घंटे बाद दिखाएंगे आपको, ढक के रख देंगे और ये पानी छोड़ देंगे। देखिए हमारे करेले ने कितना पानी छोड़ दिया है, इन्हें आधा घंटा हो गया रखे हुए, देख सकते हैं। और हम इन्हें करेले को मसल कर मिला मिक्स कर लेंगे और निचोड़ निचोड़ कर दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना पानी निकल रहा है, ये सारा का कड़वा पानी है, ये सब निकाल देंगे हम इस तरह से। देखिए सभी करेले को हमने निचोड़ लिया है और हम एक कढ़ाई रखेंगे, अपने करेले को तेल में भुनेंगे। ये हमारा सरसों का तेल है, आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो आपके करेले ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इस तरह से सभी करेले को छोड़ लेंगे हम। ये हमारा पका हुआ तेल है, इसमें 3-4 मिनट अच्छे से भून लेंगे हमने। देखिए 2 मिनट हो गए हमारे करेले को भूनते हुए, देखिए कलर चेंज हो गया है करेले का, आप देख सकते हैं हमारे करेले भून गए हैं अच्छे से तेल में। और हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया हमारे करेलों का। ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और इनका कड़वाटन भी निकल गया होगा। देखिए हमारा ऑयल गर्म है, इसी में हम जीरा डाल देंगे, इसी तेल में हम छोक लेंगे। एक हरी मिर्च है ये हमने बारीक काट ली है, इसे भी डाल देंगे हम।
एक पिंच हींग डाल देंगे। हींग टेस्ट के लिए अच्छा होता है। और इसमें अपनी प्याज डाल देंगे हम, जो हमने लंबी लंबी कट की थी, अब इनको भून लेंगे हम हल्के गुलाबी होने तक। भूनेंगे बस, ज़्यादा नहीं भूनेंगे प्याज को। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया प्याज का। देखिए हमारी प्याज हल्की गुलाबी भुन गई है, बस हम कच्चा निकालने तक, इसकी भैंस निकालने तक ही भूनेंगे। और हम इसमें करेले ऐड कर देंगे जो हमने तले हैं। देखिए अच्छे से भुन गए थे हमारे करेले भी। देखिए कितना अच्छा करेले का कलर आ गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे जो हमने पहले बिल्कुल नहीं डाला है। और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधी चम्मच। और इसमें धनिया ऐड करेंगे, धनिया हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, धनिया दो चम्मच ऐड करेंगे, दो से तीन चम्मच। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि हमने पहले डाला था वो सब निकल गया था हमारे चोड़ने में। और हम सब मसालों को चला देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया हमारे करेलों का, आप देख सकते हैं। बच्चे तो खाएंगे, बड़े तो खाएंगे ही खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे बड़े शौक से अगर आप इस तरह से करेले बनाएंगे तो। अब मसाले के साथ थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए इसमें सौंफ डालना जरूरी है, दो चम्मच सौंफ ऐड करेंगे हम। ये आप स्किप ना करें, इससे आपके करेले बहुत टेस्टी लगते हैं। दो से तीन चम्मच आप सौंफ डाल सकते हैं। हमने तीन चम्मच सौंफ डाल दिए इसमें, इससे करेले हमारे और भी टेस्टी लगते हैं। देखिए कितने करेले अच्छे बढ़ गया हो गए हमारे। अब बंदी आंच पे दो मिनट के लिए पकाएंगे हम। देखिए हमारे करेले अच्छे से बन गए हैं। और इसमें आधी चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। और इसमें हम खटाई डालेंगे, जो खटाई में डाली नहीं थी, हम दो चम्मच खटाई डाल देंगे। देखिए हमारे करेले बनकर तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं ना, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया तरह करेले बन गए हैं हमारे। हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारे करेले बनकर तैयार हो गए हैं, हमने सर्व कर दिए हैं। हम देखिए इसके ऊपर धनिया पत्ती डालेंगे। आपको हमारी करेले की रेसिपी कैसी लगी है आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे आपको करेले की रेसिपी की स्टाइल किस अच्छा लगा है, कैसा लगा है, आप लिख के भेजिएगा। ये करेले बहुत ही टेस्टी बने हैं हमारे, आप इन्हें चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे करेले लगते हैं ये खाने में। बच्चे बड़े तो खाएंगे ही, बच्चे भी खाएंगे। अगर आप इस तरह से बनाएंगे हमारे तरीके से, एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है जरूर ट्राई करिएगा एक बार। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।